नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे माँ की मजेदार कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन मनु अपनी मम्मी के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था। उसे तालाब में एक बहुत ही सुंदर मछली दिखाई दी। वही मछली के पास तालाब के किनारे एक मेंढक बैठा हुआ टर टर की आवाज निकाल रहा था। मनु ने मम्मी से मछली को देने के लिए कुछ मांगा। मम्मी ने झट से अपने थैले से मटर निकालकर मनु को दी। मनु ने हरी हरी मटर के दाने मछली को खिलाने के लिए तालाब में डाले, लेकिन ये क्या, मटर के सारे दाने तो मेंढक ही खा गया और मछली का मुंह खुला का खुला ही रह गया। तो प्यारे बच्चों, आओ अब हम कहानी में से माँ की आवाज वाले 5 शब्द ढूंढें। म म मेंढक, म म मनु, म म मम्मी, म म मटर, म म मछली। तो प्यारे बच्चों, म की आवाज से शुरू होने वाले और कौन से शब्द होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, जैसे 4 टांगों वाली मेज, सुंदर सुंदर पंखों वाला मोर, ठंडे ठंडे पानी से भरा मटका, सफेद सफेद मूली, भिन्न भिनाता मच्छर। तो बच्चों, कैसी लगी आपको माँ की ये मजेदार सी कहानी? तो हम फिर मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। बाय बाय।